उत्तराखंड में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है। इसी को लेकर राज्य में अब डीजल वाली बसों की बजाय इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये इलेक्ट्रॉनिक बसें देहरादून ISBT से सहस्त्र धारा के रूट पर चलेंगी। वहीं इन बसों के संचालन शुरू होने पर देहरादून स्मार्ट सिटी के CO सोनिका सिंह ने कहा कि फिलहाल 5 बसें शुरू की गई हैं। ऐसे कई काम अभी बाकी हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। हमारे यहाँ से 5 ई बसेस और 4 टॉयलेट्स जो स्मार्ट टॉयलेट्स हैं उनका इनॉग्रेशन किया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा और मेयर साहब उपस्थित है यहाँ पे। इसके अलावा अब आगे भी हमारी योजना है कि हमारे जो भी काम पूरे होते जा रहे हैं जल्दी जल्दी उनका काम कम्प्लीट करके उसको हम लोग इनॉग्रेट। बता दें कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत के अलावा स्मार्ट टॉयलेट का भी उद्घाटन किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि अभी 10 और बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन बसों का मिनिमम किराया ₹10 रखा गया है। इन बसों के संचालन शुरू होने से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिलेगी। हमारे 30 इलेक्ट्रिक बसें इस परियोजना के तहत आनी है टोटल, जिसमें आज 5 यदि जो हरी झंडी दिखाई गई तो 20 इस बेड़े में शामिल हो चुके हैं, यानी 10 और शेष है। ये यहाँ से ISBT से सहजदारों तक चलनी है, जिसके 37 स्टॉपेज होंगे। मिनिमम रेट इसका ₹10 है और इसमें जो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से वायु ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और एक बेहतर सुविधा इसी इलेक्ट्रिक बसों में आम जनता को यात्री को मिलेगी। अभी जो इससे पहले जो हमारी बसें संचालित हुई थी उसमें लगभग 1,91,00,000 का हमें राजस्व प्राप्त हुआ है और 96,474 यात्री अभी तक इस बेड़े में सफर कर चुके हैं। अनुमान 3,000 यात्री प्रतिदिन इन बसों में सफर कर रहे हैं। इनके आने से 5 बसें और आने से लगभग 4,000 यात्री प्रतिदिन सफर करेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रदूषण का जो आज हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है, उस प्रदूषण से मुक्ति कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बसों के आने से होगी और इसके साथ साथ 4 स्मार्ट टॉयलेट का भी आज उद्घाटन यहाँ पे किया गया, जिसमें 7 कुल टॉयलेट स्मार्ट टॉयलेट बनी है, जिसमें 3 पहले से उनका उद्घाटन हो गया है। वहीं एक तरफ जहां देहरादून को लगातार इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात मिल रही है, वहीं बागेश्वर के बिलोना में रोडवेज डिपो का उद्घाटन होने के बावजूद अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ। बता दें कि 4 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने यहां रोडवेज डिपो का उद्घाटन किया था। लोगों को उम्मीद थी कि अब जल्द ही यहां से दूसरे शहरों के लिए बसें मिलने लगेंगी, मगर अभी तक रोडवेज में एक भी बस नहीं पहुंची। बागेश्वर रोडवेज डिपो से 21 बसों का संचालन किया जाना है, जिसके लिए 50 कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है, मगर अभी तक सिर्फ 9 कर्मचारियों की ही तैनाती हुई है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री पूरा ढांचा तैयार होने की बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा है, ये पूरा डिपो अस्तित्व में आने के लिए 20 बाबू चाहिए यहाँ पे और 50 चालक 50 परिचालक चाहिए, कम से कम 20-22 वो सब स्टाफ चाहिए, पूरा मैकेनिकल स्टाफ जो है 20-22 चाहिए और गाड़ियाँ जब 21 पूरी आती हैं और वो सब का मन कुछ हमारा 300 टाइप का यहाँ बन जाता है तभी पूरा डिपो अस्तित्व में आता है। कंप्यूटर वगैरह लगने हैं यहाँ पर, करीब इसमें डिपो जमने में टाइम लगेगा। बता दें कि बागेश्वर में जब रोड डिपो का उद्घाटन था उस दौरान सरकार की ओर से प्रचार किया गया था कि उद्घाटन के 2 दिनों के भीतर यहां से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, मगर अभी तक सरकार के दावे फेल दिखाई दे रहे हैं। अभी तक यहां न तो पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती हुई है और न ही बसें पहुंची हैं। ऐसे में यहां के बांदिशों को और अभी इंतजार करना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला और बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।